नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की मार्किंग स्कीम को। तो बेटा, 18 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, 40 नंबर का आपका ये पेपर था, 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया गया था। तो इस सब्जेक्ट की यानी पॉलिटिकल साइंस की मार्किंग स्कीम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। भाग का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन, इसको आप एक तरह से मार्किंग स्कीम भी कह सकते हो, अपने पेपर का सॉल्यूशन भी कह सकते हो, जिसके आधार पे आपकी आंसर कॉपी को चेक किया जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको थोड़ा सा ऐसे मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके अपने आंसर देने थे। इसी के साथ ही बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा सबसे पहले शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लो। अपने बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, CBSE अपडेट्स को देखने के लिए। वीडियो बेटा अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। छः मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 13 आपका। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा, जिसके बारे में आपको बताना था। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन था ये। तो बेटा, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।